मैं कहना चाहती हूँ इन दोनों सरकार को, सबके घर के फोड़ फाड़ के उलझले हैं जनता को, लेकिन ये ऐसा है सरकार कि लूट पाट करके देश को कंगाल बना दिया, फिर भी बंगाल गए थे, बंगाल में जनता धक्का मार के भगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मघी आवाज और मैं हूँ आपके साथ बिट्टू गिरी। जिस तरह से अभी जो सिस्टम बिगड़ गया है राजनीतिक में, आपको बता दें कि चिराग पासवान और उनके जो चाचा हैं वो दो गुट में बट गया है। एक तरफ है चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस, तो ही दूसरी तरफ हैं चिराग पासवान। हमसे बात करने के लिए मुन्नी रजक जी हैं, उनसे बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर चिराग पासवान और उनके जो चाचा हैं अलग हो गए हैं, तो क्या लोभ में ये अलग हुए हैं। मैं राष्ट्रीय जनता दल की मुन्नी रजक हूँ, मैं राष्ट्रीय जनता दल की मैं आभारी हूँ और मैं पूरा इसको फर्ज निभाती हूँ। गांव-गांव बरसात हो या गर्मी या जाड़ा, मैं इसको परवाह ना करती हूँ। हमारे आरजेडी जैसे सुप्रीमो लालू प्रसाद जी को साथ किया गया दबाव में, इतना सजा ही हुआ। जैसे हमारे नीतीश जी हैं, मर्डर करके रोड पर घूम रहे हैं। ये मुजफ्फरपुर वाला बल के कांड हुआ है, ये रोज हत्या हुई, लूटपाट बलात्कार हो रहा है भाजपा और नीतीश जी के शासन काले, लेकिन ये लोग अपने सत्ते के सौदागर बने हुए हैं, कुर्सी के लोभ लालच में। मैं कहना चाहती हूँ इन दोनों सरकार को कि सबके घर के फोड़ फाड़ के उलझले हैं जनता को, और महंगाई के माध्यम से जनता मर रहा है, और माने फोड़ फाड़ के अपना सत्ता को बनाने के लिए हर माने मंत्री को घर फोड़ रहे हैं, चचा भतीजा जैसे यूपी में किए थे मुलायम सिंह जी के साथ। आपको कहने का क्या मतलब है कि चाचा भतीजा का तोड़ने का हाथ जो है जेडीयू या तो बीजेपी का है? जेडीयू और बीजेपी का दोनों का हाथ है। आज ऐसे कि माने कि भाजपा के तो विरोधों ने किए थे चिराग जी, जदयू के उम्मीदवार को खड़ा कराए थे कहाँ तहाँ, लेकिन फिर भी भाजपा इसको ऐसे कि क्या किया, दिल में छेद कर दिया चिराग जी को, लेकिन जनता चिराग के साथ है, पशुपति जी के साथ नहीं। अब ऐसे फोड़ फाड़ के जनता को उलझाना चाहते हैं, जैसे लालू जी को पूरा परिवार को फंसाने लगे हैं भाजपा वाला, जदयू वाला पूरा एकदम, और जदयू वाला पल्ला झाड़ रहे हैं हम कि बढ़िया काम कर रहे हैं, भाजपा वाला कर रहा है। लेकिन 200 रुपये महंगाई हो गया, कड़ुआ तेल हो गया, चाहे डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, सारा महंगाई से जनता जूझ रहे हैं। और देखिए हमारे केंद्र सरकार हो या हमारे बिहार के सूबे की सरकार हो, कि जनता आदि जो है कि सब्जी किनने गया लड़का युवा नौजवान लोग, तब दवाई किनने गया, तब पुलिस प्रशासन का पूरी रखता राष्ट्रपति जैसे शासन हो गया, पूरा पावर में आ गए हैं, बिना मतलब के लड़का युवा नौजवान छात्रों को मार बैठते हैं, दवा लाने गया तो पर भी कि लॉकडाउन है, सब्जी लाने गए फिर भी उसको मारपीट करते हैं। लापरवाही सरकार से हमारे पूरे देश दुनिया के जनता तंग आ गया, क्योंकि लोकतंत्र खत्म कर चुके हैं, ये लोग अपना आपा भी खो चुके हैं, इससे जनता पूरा नाराजगी में है और उनको पार्टी के भी जनता नाराजगी में है। हम यह कहना चाहते हैं यदि जो चिराग पासवान हमारे पार्टी में आ जाते हैं तो इनको पूरे खुल कर साथ दिया जाएगा, पूरे आरजेडी से, पूरा बिहार की, पूरा हिंदुस्तान की कोने कोने से। हमारे जैसे इंदिरा गांधी जी को पूरे जान, जैसे हमारे जैसे प्लाइसिस का क्या कहता था, प्लाइसिस लकवा मार दिया जाता था उसको, से कि घर घर का पोल पर्स पोलियो पिलाने का काम इंदिरा जी ने दिए थे, न तो अभी पूरे बिहार इंडिया का जनता ऐसे हो जाता। आई देखिए ना कि जो हमारे जत्थी लग रहा है क्या कहता है उसको, कोरोना वैक्सीन था उसको पर जाओ, जनता को कोई नहीं, चम्मच लोहा सट रहा है, स्टील का बर्तन सट रहा है, क्या है सरकार को, क्या साजिश है कि किसी के किसी तरह से मारना, किसी के हाँ रामविलास जी के कोरोना को झांसा देख कर उनको लगता है किसी प्रकार को हत्या कर दिया गया, लेकिन हमारे बिहार के नेता थे रामविलास पासवान जी, अच्छे खासे नेता थे, लालू प्रसाद जी के भी हमारे सत्ता शासन में रहें, करीबी रहें, पार्टी में रहें, लेकिन ये ऐसा कहा है भाजपा की सरकार की या नीतीश जी फोड़ फाड़ करके खाली माने देश में जनता को उलझाना, कुछ नहीं करना, जनता को देखना मर रहा है कि जर रहा है, ट्रेन को तो अथी बना कर कर रख दें कंगाल, जैसे हमारे ब्रिटिश सरकार भी आया था तब मैंने कि ट्रेन बनाया, चाहे पूरा न्यायालय कार्यालय मैंने हर तरह से सुरक्षित बनाया, लूटा तो लूटा, लेकिन ये ऐसा है सरकार कि लूट पाट करके देश को कंगाल बना दिया, फिर भी बंगाल गए थे, बंगाल में जनता धक्का मार के भगाया, धक्का ऐसा धक्का मारा कि उसको आगे छक्का इस तो चौको चौवों पर ही जैसे कि नाराजगी दिलाया। मैं कहना चाहती हूँ जनता को कि अपने अपने माध्यम से अब इसको सत्ता से बेदखल करने का काम करे और आरजेडी के सरकार बनाने का काम करे। मैं खोल कर कहती हूँ कि तेजस्वी जी आ जाए आरजेडी में, हमारे मांझी जी पर भी भरोसा है, साहनी जी पर भी आ जाए और हमारा से कि तब देखिएगा देश दुनिया का क्या नीति होता, क्योंकि हमारे चिराग जवान हैं,
हमारे तेजस्वी तेज प्रताप जी हैं और हमारे देश दुनिया का जनता बेरोजगारी हो गया, नौजवान वो सब साथ है, तेजस्वी का जोरे साथ है, RJD का साथ है। मैं कहना चाहती हूँ पप्पू यादव जी को, जब ये लोग घोटाला ने पकड़ाता है तो उसको पुरानी याद आता है, पुरानी वाला ने बातों में फंसा करके उसको जेल के सिकंजे में रखता है और उसको टॉर्चर करने का काम करता है कि मैंने आत्महत्या कर ले, ये नेता चाहे नेता अपने से कि हथी से मर जाए सदमा से। लेकिन पप्पू यादव हो या चिराग जी हो या हमारे तेज तेजस्वी हो, हमारे धरती पर जनता के लिए लड़ते हैं। तेजस्वी जी हमारे पूरे बिहार में अपने साथ सत्ता मैंने इलेक्शन के घड़ी मैंने एक दिन ने 13-13, 14-28 दौरा किए थे। हमारा सब से इनको घेराव कर करके हेलीकॉप्टर से दौड़ा करता था, फिर भी क्या कहा कि एकदम वीर अभिमन्यु की तरह सबके काटते हुए निकाला। और फिर ऐसे कि कहता है कि सत्ता की सरकार जब लाने के आए तो आपने किसी किसी तरह से जैसे हिलसा ने शक्ति यादव को हराने का काम किया जानबूझ करके, किसी के 10 वोट से, किसी का 28 वोट से, किसी के 25 वोट से साजिश करके ही नीतीश कुमार जी का CM और इन्हीं का DM मैंने धक्के मार मार के उम्मीदवार को हटाया RJD को और इसको हरा करके 28-29-32 उम्मीदवार को अपना सरकार बनाने का काम किया। एक सवाल आपसे पूछेंगे, चिराग पासवान बोलते हैं लोजपा मेरा है, उधर चाचा उनके पशुपति कुमार पारस जो बोलते हैं लोजपा मेरा है, वो तो जनता साबित करेगा जी। जनता साबित करेगा, जनता जज है और जनता चिराग के साथ है। चलिए हाँ, मैं कहना चाहती हूँ मैं मुन्नी रजक हूँ, मैं मगध बिहार की हूँ, मैं कभी मत ना हारूंगा। और चिराग जी के मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि RJD के आने का काम करें और पूरी बहमत से आपको साथ देगा दुनिया। ठीक, ये थे हमारे साथ राजद के मुन्नी रजक। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से NDA जो सरकार चला रही है वो तोड़ने का काम कर रही है। पिछले दिनों जिस तरह से पप्पू यादव को कहीं ना कहीं जेल भेजवाने का काम किया, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के जो लोजपा है और उनके जो चाचा है वो लोजपा में टूट पड़ गई थी। अब देखने वाली यह दिलचस्प बातें होगी कि इस बार जो है चुनाव तो हो गया, सरकार भी NDA का बन गया, लेकिन कहीं ना कहीं जनता भी अब जागने वाली है और उठकर मतदान भी जो है वो अब करने वाली है। तो फिलहाल खबरों के लिए बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।